चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पद्मावती का ट्रेलर YouTube पर जारी कर दिया गया है। YouTube पर जारी होते ही दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा और इस ट्रेलर को भारी मात्रा में YouTube पर शेयर किया जा रहा है। जहां तरफ एक तरफ बॉलीवुड वाले वाहवाही करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पद्मावती को रिलीज पर धमकी भी दिया जा रहा है। जी हां, वादे के अनुसार कल ठीक दोपहर 1 बजे पद्मावती का टीजर लॉन्च कर दिया गया। ट्रेलर देखने के लिए सारा बॉलीवुड खुशी से झूम उठा। रणबीर, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर तो बधाइयां भी देने जाने लगी। फिल्म जानकारों ने घोषणा की कि इस साल की सबसे बड़ी फिल्म पद्मावती साबित हो सकती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन मल्टीप्लेक्स थिएटरों के मालिक को है जो अच्छी फिल्में रिलीज करने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका कारोबार बढ़िया हो सके, पर उन्हें एक धमकी भरे खत ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है। जी हाँ, पद्मावती ट्रेलर रिलीज होने के तुरंत बाद राजपूताना संघ ने एक संगठन ने PVR सिनेमा को धमकी भरा लेटर दिया है। लेटर में लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने पद्मावती फिल्म रिलीज किया तो वो नुकसान की जिम्मेदारी वो खुद होंगे और वो फिल्म को इंडिया में रिलीज करने के लिए वो मना कर रहे हैं। लेटर में लिखा गया है कि फिल्म में रानी पद्मावती के चरित्र को गलत तरीके से पेशकश किया गया है, ऐसे में क्षत्रिय समाज के सामने अपमान का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तक पद्मावती के खिलाफ सिर्फ करनी सेना ही कर रही थी, अब फिल्म के विरोध में दूसरे संगठन भी सक्रिय होने शुरू हो चुकी है। संजय लीला भंसाली की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है।